ओके okay, चलो तो स्टार्ट करेंगे आज सबसे पहले बेटा आज के सेशन में हम लोग जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी थे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में नेफ्रॉन्स जो है इसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर जो है ये देखे थे तो सबसे पहले हम लोग नेफ्रॉन्स जो है उसका स्ट्रक्चर मीन्स फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की ठीक है और कैसे होता है इसको हम लोग एक बार रिकेप कर लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो पोर्सन है मीन्स यूरिन फॉर्मेशन का जो मैथड है फिजियोलॉजी कैसे होती है वो हम देखेंगे तो पहले तो हम लोग किडनी का एनाटोमी देख रहे हैं फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर किडनी का जो है क्या चीज मॉर्फोलॉजी हमने समझे ठीक है फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखे बेटा किडनी की मॉर्फोलॉजी हमने देखे मॉर्फोलॉजी में किडनी का लोकेशन क्या होता है ये हमने देखे किडनी का साइज क्या होता है ये हम लोगों ने देखे मॉर्फोलॉजी के बाद हम लोगों ने किडनी की एनाटॉमी समझे और किडनी का जो एनाटॉमी है यहाँ पे हम लोगों ने एनाटॉमी में क्या देखे थे बेटा कि किडनी का फंक्शनल यूनिट जो होता है वो है नेफ्रॉन ठीक है और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोर्सन जो हम स्टडी करने वाले हैं वो किडनी का क्या चीज फिजियोलॉजी हम देखेंगे क्या देखेंगे हम लोग किडनी का फिजियोलॉजी समझ में आ गया तो इस तरह से हम लोगों को ये थ्री पोर्स जो है जो हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करनी है ठीक तो मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से क्लियर है लास्ट लेक्चर में एनाटॉमी हम लोगों ने देखे थे तो एनाटॉमी जो है तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर हम लोगों ने किडनी का जो फंक्शनल यूनिट जो है वो हमने देखे थे दैट इज क्या देखे थे हमने क्या देखे थे हम लोगों ने नेफ्रॉन तो नेफ्रौन जो है यहाँ पे जो हम लोगों ने समझे थे तो इसमें हमने क्या देखे थे बेटा पहली चीज हम लोगों ने देखे थे कि नेफ्रॉन जो है ये कंसिस्ट होता है जनरली टू पार्ट में एक आता है मालपेजियन बॉडी दूसरा आता है रिनल ट्यूब्यूल मालपेजियन बॉडी कंसिस्ट होता है टू पार्ट में एक आता है बॉमेन्स कैप्सूल और दूसरा आता है ग्लोमेरुलस बॉमेंस कैप्सूल में हमने क्या देखे थे कि इस तरह से कपके समाने के होता है, जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट होती है. के बाद यहां पे टप है जो क्या कहलाता है ग्लोमेर ये हम लोगों ने समझे थे फिर इसके बाद हम लोगों ने रीनल ट्यूबल के पार्ट देखे थे जिसमें पीसीटी था प्रोक्सीमल कन्वर्टेड कहते हैं जिसे पीसीटी के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टडी किए थे क्या देखे थे डिजिटल कन्वर्लेट ट्यूब्यूल ठीक है तो बॉमेंस कैप्सूल के, के पास वाला जो पोर्सन होता है प्रोक्सिमल कन्वर्लेटेड ट्यूब्यूल है उसी के बाद फिर नेक्स्ट जो आता है स्टडी किए थे ठीक है इतना समझ में आ गया बेटा ये क्लियर है किसी को पे कुछ पूछना है चलो वेरी गुड फिर इसके बाद हम लोगों ने लूप ऑफ फैनले में टू टाइप्स देखे थे जिसमें हमने क्या देखे थे बेटा एक तो लूप ऑफ फैनले का डिसेंडिंग लिम और दूसरा वाला क्या था असेंडिंग लिम लूप ऑफ फैनले ठीक है डिसेंडिंग असेंडिंग में मैक्सिमम स्टूडेंट को जनरली कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूज नहीं होना है ओके फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या देखे थे कि जो बॉमेंस कैप्सूल जो होता है यदि हम हम कैप्सूल कैप्सूल की बात करें तो जो है इसमें जो ब्लड जो कर रहा है तो ये ब्लड कैसे करेगा आर्टेरियोल के थ्रू करेगा और जो एग्जिट होता है ये कैसा होगा बेटा इफरेंट आर्टेरियोल से थोड़ा इको आ रहा था ठीक है अभी आप लोगों को चैट टू तो एवरीवन करना है बेटा प्राइवेट चैट नहीं करना ठीक मैं दो आउटपुट रखूंगा जब मुझे लगेगा तो स्विच कर लूंगा हाँ या फिर मेरे दो वहां पे आपको दिखाई दे रहे होंगे दो जगह पे आपको ठीक है जिसके अकॉर्डिंग हाँ फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आते हैं और इसमें नेक्स्ट पोर्शन जो हम लोग देख रहे हैं क्या चीज एक तो ये आपका डायग्राम हो गया ठीक है यदि हम इस डायग्राम पे आए तो यहाँ पे आप लोगों को ठीक है क्या दिखाई दे रहा है अफ्रेंट से ब्लड आ रहा है इफ्रेंट आर्टेरियल से ब्लड एग्जिट होगा लेकिन जब ब्लड यहाँ से आ रहा है और जब ब्लड एग्जिट होगा तो दोनों के बीच में यहाँ पे आप लोगों को एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिखाई देता है जहां पे होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होगा यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ठीक है कैसे होता है थोड़ी देर के बाद फिजियोलॉजी में मैं आप लोगों को समझाऊंगा फिर उसके बाद पीसीटी आपको दिख रहा है लूप ऑफ हेनले दिखाई दे रहा है और डिजिटल कन्वर्लेटेड ट्यूबल्स भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्लियर है ठीक है फिर इसके बाद नेक्स्ट यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या चीज यदि हम देखें तो यहां पे जब फाइनली यूरिन फॉर्म हो जाएगी तो यूरिन जो है एक डक्ट की हेल्प से आगे जाता है जिसे कहते हैं क्या चीज कलेक्टिंग डक्ट क्या कहलाता है ये ये कहलाता है कलेक्टिंग डक्ट जिसकी हेल्प से यूरिन जो है क्या होगा फाइनली हमारा रीनल पेल्विस में जाता है ओके okay, तो इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा पार्ट जो है मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट है और कौन सा पार्ट जो है हमारे कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट है तो देखो यहां पे हम लोगों ने ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है कौन सा वाला बेटा बोमेंस कैप्सूल तो ये जो बोमेंस कैप्सूल आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है बेटा जनरली ये टू लेयर स्ट्रक्चर होता है एक तो आउटर लेयर दिख रही है आपको ये वाली और दूसरा जो है इनर लेयर दिख रहा है तो आउटर लेयर जो होती है पैराइटल होती है और इनर वाली जो होती है विसरल होती है ठीक है विसरल लेयर और पैराइटल लेयर के बीच में आप लोगों को यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है क्या दिख रहा है बेटा ये ये है यूरिनरी स्पेस या कैप्सुलर स्पेस ठीक है तो क्योंकि जब फिल्ट्रेशन होगा तो फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ पे ही सबसे पहले जो है क्या कह सकते हैं हम लोग जो सब्सटेंस है हमारा फिल्ट्रेट वो यहाँ पे आके कलेक्ट होता है कलेक्ट होने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसमें बेटा एक्चुअली फिल्ट्रेशन जो यूनिट होती है जिसे कहते हैं कह क्या चीज पोडोसाइट जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का रोल प्ले करता है

चैट में क्वेश्चन करो बेटा कुछ प्रॉब्लम है है आपको मिस्टेक हो गया चलो कोई बात नहीं ठीक हाँ। तो अभी देखिए इसके बाद क्या चीज बेटा लूप ऑफ हैंडले भी हम लोगों ने देखे लूप ऑफ हैंडले में असेंडिंग डिसेंडिंग ये आप लोगों को याद हो गया होगा बेटा लूप ऑफ हैंडले बेटा एक मेन जो पार्ट है जहां पे वाटर और सॉल्ट बैलेंस इसका रेगुलेट होता ठीक है समझ में आ गया तो यहाँ पे क्या होता है बेटा बेटा होता है 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 फिर उसके बाद आता है क्या चीज की हम बात तो तो इसका लोकेशन, obviously ये नहीं है, तो दूर रहेगा ठीक जो है और मालपेजियन बॉडी उससे क्या है दूर वाला एरिया हो गया ठीक उसके बाद कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द किडनी यहाँ पर प्रेजेंट होता है हाईली कन्वर्लेटेड होता है कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड होता है देखे थे हमने डायग्राम में और कंडीशनल री होता है मीन्स हमें कितना वाटर चाहिए या फिर नहीं चाहिए तो उसे ये रेगुलेट करता है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रीएबॉर्स का मैकेनिज्म होगा फाइनली आती है कलेक्टिंग डग जो कि टर्मिनल पार्ट होता है बेटा ये क्वेश्चन पूछते हैं कलेक्टिंग डग कैसा है टर्मिनल पार्ट फंक्शन क्या है ये भी जो है यूरिन में से जितना वाटर है जैसे देखो बेटा अभी हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा है प्यास लगी है पानी नहीं मिल रहा है ठीक है तो उसके बाद आपके बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो गई यदि तो इस कंडीशन में अब आपको यदि क्या है वाटर जो है वो चाहिए तो क्या करेंगे तो जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है वहां से जितना भी एक्सेस वाटर है वो हमारा किडनी जो है वापस से ले लेता है रीएबजॉर्ब कर लेता है जिससे देखना यूरिन बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तो इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट जो है ये हमारे वाटर को यूरिन से क्या करेगा वो ले, ले लेता है डिहाइड्रेशन नहीं होगा बेटा ठीक हाँ डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन में ये वाटर ले, ले लेता है यूरिन से ऐसा हम कह सकते हैं समझे तो इस तरह से यहाँ पे ये फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जिसमें हम लोगों को, है, है हम लोगों को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखना है सिलेक्टिव रे ऑब्जॉर्प्शन देखना है और ट्यूबुलर सिक्रेशन पढ़ना है क्या क्या देखना है हम लोगों को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिलेक्टिव री और उसके बाद फिर क्या आएगा ट्यूबुलर सिक्रेशन समझ रहे हो ठीक है तो ये पार्ट जो है वन बाय वन हम लोग अभी जो है देखने वाले हैं समझने वाले हैं ठीक है बेटा चलो वेरी गुड तो जस्ट वेट थोड़ा सा मुझे एक और चीज कनेक्ट करना है पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूं फिर आपको जो है समझाऊंगा एक मिनट बेटा हाँ, मैं थोड़ा सा टचपेन कनेक्ट कर रहा हूं ओके जस्ट वेट बेटा थोड़ा सा टाइम लग रहा है तब तक हम एक काम करते हैं यहीं से पहले कंसेप्ट और समझ लेते हैं क्या चीज है ओके okay, तो देखिए यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या पार्ट जो है समझना है फर्स्ट हम लोगों को क्या देखना है यहाँ पर यहाँ पर हम लोग जो स्टडी करेंगे वो रहेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो इसको समझाने के पहले अगेन में आप लोगों को क्या चीज बेटा नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक्सप्लेन करूंगा ठीक है और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बाद फिर आगे का जो दूसरा पार्ट है ठीक है जिसमें हम लोग एनाटॉमी देखते हुए कैसे एक्चुअली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है वो हम समझेंगे क्या चीज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को हम समझेंगे ठीक है फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की यदि हम बात करें तो आपको याद होगा कि इस तरह से हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर देखे थे किसका बेटा बॉमेंस कैप्सूल का इसी बोमनज कैप्सूल से यहाँ पे इस तरह से एक ग्लोमेरुलस जो है मीन्स टफ टॉप ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क था इसमें हमने देखे थे अपफ्रेंट और रिफ्रेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ठीक है रिस्पांस करेंगे बेटा दोनों का डायमीटर किस तरह से होता है अपफ्रेंट और रिफ्रेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर है वो कैसा होता है बताएंगे जल्दी से वेरी गुड वेरी गुड बेटा अफ्रेंट का वाइडर होगा और इफ्रेंट का नेरोवर होगा क्या रीजन है बेटा रीजन जब ब्लड आता है तो ब्लड जब आ रहा है तो उसके लिए बेटा उसको ज्यादा डायमीटर मिलता है लेकिन जब ब्लड एग्जिट होता है तो डायमीटर कम होगा जिसकी वजह से यहाँ पे एक फोर्स एक प्रेशर क्रिएट होता है और यही प्रेशर जो है बेटा यहाँ पे जो भी हमारा सब्सटेंस है उसको फिल्टर होने में हेल्प करता है समझ गए जो भी सब्सटेंसेस है उसके फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा ठीक है समझ रहे हो ना क्या बताना चाह रहा हूँ बेटा मैं तो यही चीज है तो चलो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या होती है क्योंकि हम लोगों को सबसे पहला वाला जो पार्ट स्टडी करना है दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की यदि हम बात करें तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा फिल्ट्रेशन होगा तो फिल्ट्रेशन मीन यहाँ पे इस तरह से एक मेम्ब्रेन होंगी जैसे छन्नी होती है हमारी चाय की छन्नी चाय को छानना रहता है तो बड़े पार्टिकल पीछे रह जाते हैं बाकी छोटे पार्टिकल सारे के सारे आगे पास हो जाते हैं तो बड़े पार्टिकल हमारे लिए क्या है लार्ज पार्टिकल एक तो आरबीसी रहेगा समझ रहे हो इसी के साथ साथ और क्या रहेगा बताओ यहाँ पे जो जो प्रोटीन प्रोटीन है ठीक ये जो रहेंगे, means ये रहेंगे ब्लड सेल्स और पास नहीं होंगे लेकिन उसी ब्लड में जो भी हमारे सब्सटेंसेस है जैसे ग्लूकोज की हम बात कर ले मिनरल्स की हम बात कर लेंगे आयंस की बात कर लेंगे तो ये सारे सब्सटेंसेस और यूरिया ये सारा का सारा सब्सटेंस यहाँ से क्या होगा फिल्टर हो जाएगा तो ये कैसे होगा देखो तो इसके लिए बेटा एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पे होती है जैसे हम लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़े थे तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पढ़े थे याद आ रहा है ना आपको क्या पढ़े थे हम लोगों ने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन तो ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है ये क्या होती है तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की हम बात करे थे तो उसमें हमने अलग अलग टाइप्स देखे तो एज इट इज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पढ़ना है हमें तो ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की हम बात करें

वेरी गुड बेटा थर्ड का आंसर आया है यश का आया है प्रहलाद का आया है हर्षिता का आया है वेरी गुड खुशी का आया बहुत है बहुत बढ़िया सभी के करेक्ट आंसर है ना तो यहाँ पे क्या है लेयर्स जो है वो किसका था का इपिथेलियम था समझ गए तो इसी तरह से यहाँ पर यदि हम लोग देखे तो यहाँ पे इपिथेलियम लेयर जो रहेगी वो किसकी रहेगी बॉमेंस कैप्सूल की रहेगी ठीक है क्या रहेगा इपिथेलियम लेयर जो रहेगा वो किसका रहेगा बॉमेंस कैप्सूल का रहेगा ग्लोमेल मेरुलर कैपिलरीज जो है वो कैसा आएगा बेटा एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी समझे और उसके बाद फाइनली लास्ट में जो है दोनों को जोड़ने के लिए क्या आता है बेटा बेसमेंट सब्सटेंस तो एज इट इज यहां पर भी ये सारा जो है कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है क्लियर हुआ इतना पार्ट समझा जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो है ये क्या होती है ओके okay. चलो समझ गया वेरी गुड चलो वेरी गुड चलो बेटा तो अभी हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे इसमें जिसमें मैं आपको कुछ पिक्चर्स की हेल्प से सारे कांसेप्ट जो है वो क्लियर कराता हूं ठीक है जस्ट वेट मैं कनेक्ट कर रहा हूं और रिस्पांस करेंगे आप लोग मुझे कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही है प्रॉपरली दिख रही है या नहीं है ये आप लोग मुझे जो है वो बताएंगे 1 मिनट Gracias. ओके okay, चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले मुझे ये बताओ आप लोगों को बोर्ड दिखाई दे रहा है लिखा हुआ थोड़ा छोटा दिखेगा बट हमको अभी यहां पे सबसे पहले डायग्राम समझना है ओके okay, चलो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे किडनी जो है इसका हम लोग डायग्राम समझेंगे ठीक है थोड़ा सा बेटा फोन पे कनेक्ट किया हूँ एक सॉफ्टवेयर जो है उसकी हेल्प से हम यहाँ पे जा रहे हैं तो मे बी ड्रॉइंग में जो है कोशिश तो करूंगा कि अच्छे से ड्राइंग हो जाए और आप लोगों को जो चीज समझाना है वो अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम जो है, करेंगे कि जो है 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 ये ये करेंगे कि हमारा क्या बेटा किडनी किडनी अब इस में यदि हम देखें तो किडनी में सबसे पहले जो है हमारा क्या है ब्लड आएगा ठीक है अब जो हमारा ब्लड आ रहा है वो कौन सा रहेगा बेटा कहां से आ रहा है ब्लड ये ब्लड जो आएगा ये इस तरह से ये जो है हमारा ये रहेंगे ओके okay, अभी आवाज आ रहा है बेटा नेटवर्क जो है बार बार स्विच हो रहा है रिस्पॉन्स करेंगे हाँ थोड़ा सा बीच में वॉइस शायद प्रॉब्लम आया होगा हाँ लिखा हुआ प्रॉपरली दिख रहा है रिनल आर्टरी का फोन साइज जो है जूम करना है या सही है ओके है इफ यस तो आगे बढ़ते हैं हाँ ठीक है तो अब देखिए बेटा यहाँ पे जैसे कि ये जो रिनल आर्टरी है तो इस रीनल आर्टरी में जो भी ब्लड का सप्लाई होगा मीन्स जो भी सब सब्सटेंस यहाँ पे क्या होगा सप्लाई हो रहा है तो सप्लाई जो होगा यहाँ पर तो पहली चीज तो यहाँ पे यदि हम लोग देखे इस तरह से तो ये इधर साइड से क्या क्या लेके आ रहा है लास्ट टाइम पढ़ाया था मैंने आपको जो रीनल आर्टरी है इसके दो फंक्शन है ठीक है ये जब यहाँ से किडनी में डायरेक्टली ये जो है ये हमारा क्या है ये किडनी है तो ये किडनी में जब इसका सप्लाई हुआ तो किडनी में क्या करेगा वेरी गुड बेटा पहली चीज तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा ठीक है ऑक्सीजन देगा और सेकंड फंक्शन इसका क्या रहेगा सेकंड फंक्शन इसका जो है ये रिमूव करेगा क्या रिमूव करेगा ये रिमूव करेगा यूरिया अब यूरिया को यहां से रिमूव करना है तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट मैकेनिजम्स यहां पे जो होगा क्या करना पड़ेगा बेटा यहाँ पे यूरिया को रिमूव करने के लिए जैसे ही यहाँ से ब्लड इसमें एंट्री किया ठीक है क्या चीज जैसे ही ब्लड इसमें जो है एंटर किया तो ब्लड के एंटर करते ही किडनी में जैसे ही ब्लड पहुंचा तो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट दैट इज यहाँ पे जो प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है यहाँ पर नेफ्रॉन प्रेजेंट है ठीक है तो नेफ्रॉन अपना यहाँ पे जो रोल है वो प्ले करेगा ठीक है अब नेफ्रॉन में हम लोगों ने जो देखे थे जो कि किडनी का फंक्शनल यूनिट है तो यहां पे फर्स्ट मैकेनिज्म जो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है दैट इज क्या हो रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ओके अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे ठीक है तो एक काम करते हैं हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो मैकेजम्स है वो कैसे होता है वो जानेंगे फिर वापस से हम उसी डायग्राम पे आएंगे ओके okay. तो अब देखिए यहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की यदि हम बात करें तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अल्ट्राफिल्ट्रेशन मीन तो सबसे पहले तो यहां पे देखो इस तरह से ये जो है ये क्या हो गया बेटा ये हो गया बॉमेंस कैप्सूल बॉमेंस कैप्सूल बॉमेंस कैप्सूल के बाद फिर आगे जो आएगा वो क्या आएगा बेटा इस तरह से ये कंटिन्यू जा रहा है कंटिन्यू जाने के बाद फिर ये हमारा प्रोक्सिमल प्रॉक्सिमल आ जाएगा यहाँ पे प्रोक्सिमल के बाद फिर ये आगे बढ़ा क्या रहेगा इसमें इसमें आ गया लूप ऑफ ओके लूप ऑफ हेंडले के बाद फिर और आगे हम कंटिन्यू जाएंगे तो उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम लूप ऑफ एंडले रहता है पढ़े बेटा हम लोगों ने फिर ये चल के इस तरह से इधर जो है ये आगे जा रहा है तो देखो अब इसमें आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है वो समझना है और जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो आप लोगों को समझना है वो क्या है तो पहली चीज तो देखो इधर साइड से ये जो आ रहा है ये क्या हो गया बेटा अपफ्रंट आर्टरियोल जो कि डिफरेंट छोटे छोटे कैपलरीज में डिवाइड हुआ डिवाइड होने के बाद फिर ये यह यहां से ये हो रहा है एग्जिट तो ये जो हो गया ये क्या हो गया अफरेंट आर्टेरियोल ये क्या हो गया इफ्रेंट आर्टेरियोल अब इसमें देखो जब अफ्रेंट और इफरेंट आर्टेरियोल जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या हुआ है यहाँ पे जो भी सब्सटेंसेस है उसका फिल्ट्रेशन हो गया ठीक है जो सब्सटेंस है वो क्या होंगे यहाँ पे फिल्टर होंगे यूरिया इसमें आ जाएगा ग्लूकोज इसमें आ जाएगा मिनरल्स इसमें आ जाएंगे आयंस जो है वो भी इसमें आ जाएगा समझ गए ठीक है ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई लेकिन इसके बाद देखिए जब ये यह यहाँ पे आया तो यहां आने के बाद अभी इसने ऑक्सीजन तो डिलीवर किया नहीं है अब ऑक्सीजन जब यहाँ पे डिलीवरी चाहिए तो ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए अब यहाँ पे क्या होगा बताओ तो ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है उसके लिए यहाँ पर अब क्या होने वाला है बेटा ये अगेन आगे चल के ऐसे स्पेशल टाइप के अलग अलग क्या कह सकते हैं हम लोग कैपेलरी के नेटवर्क में ये डिवाइड हो जाएगा छोटी छोटी इस तरह से यहां से ये ऐसा कैपले बनाएगा ठीक है अब तो ये जो कैपलेज बनाएगा तो कैपेलरीज जो होंगी ये इधर जा रही है क्यों क्योंकि देखो ये जितना भी सब्सटेंस यहाँ पे आया हुआ है ये सब्सटेंस जो है ये फिल्टर हो गया तो फर्स्ट मैकेनिज्म यहाँ पे जो आ रही है वो क्या है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अभी सिर्फ हम जनरल से जो कंसेप्ट है इसमें वो समझेंगे तो यहां पे फर्स्ट जो मैकेनिज्म हो रहा है वो क्या हो रहा है वो हो रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद सेकेंड जो रहेगा वो होता है सिलेक्टिव रि क्या आएगा सिलेक्टिव रि ठीक है अब ये देखो सिलेक्टिव रि मींस मीन्स यहां पे कैसे होगा सिलेक्टिव रि ये हम समझेंगे तो सिलेक्टिव रि एबजॉप देखो यहाँ पे जो भी सब्सटेंसेस यहाँ पे फिल्टर हो गए हैं, फिल्टर होने के बाद यहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि सारे सब्सटेंसेस जो यहाँ पे फिल्टर हुए हैं उसको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ रिमूव ही करना था ठीक है सब्सटेंस जो यहाँ पे फिल्टर हुए ये सब्सटेंसेस यहाँ पे आ गए इस तरह से ठीक है तो ये सारे सब्सटेंस को यहाँ से सिर्फ रिमूव ही करना जरूरी नहीं है नहीं तो होता ही है कि जितना हमने खाया पिया वो सब बाहर चला जाएगा ऐसा नहीं हो रहा है तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो रहा है तो इसके लिए यहाँ पे क्या होगा ये जो सब्सटेंसेस है इसको वापस से हमें ये जो कैपेलरी है ठीक है ये जो हमारा कैपेलरी है यहाँ पे हमको रिटर्न भेजना है ठीक है तो रिटर्न भेजने के लिए यहाँ पे सेकंड जो सेकंड जो प्रोसेस यहाँ पे होगी वो क्या होगा सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा सिर्फ कंसेप्ट समझो उसके बाद में आपको बोर्ड पे क्लियर करवा देता हूँ ठीक है इतना समझ में आया बेटा रिस्पांस करो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है और सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या है हेलो यस और नो कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर किसी को कुछ डाउट क्लास में है ना सभी लोग समझ में आ रहा है ओके okay. रिस्पॉन्स करेंगे बेटा कहां तक के आपको समझ में आया मतलब अभी मैंने लास्ट टाइम आपको सिलेक्टिव रि बताया था नेटवर्क इश्यू आ रहा है थोड़ा सा ठीक है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को मेरा वॉइस आ रहा है क्या हेलो आ रहा है ओके okay. चलो पावर आ गया है जो है हम हम पीसी से कनेक्ट करेंगे और वहां पे कंटिन्यू करेंगे अभी जितना पार्ट समझाया एक बेसिक कंसेप्ट देखे यहाँ पे हम लोगों ने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सिलेक्टिव री क्या है वो कंसेप्ट देखे हमने ओके okay, उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे ये दोनों पार्ट समझा बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में से फिल्ट्रेट हो रहा है और फिल्ट्रेट होने के बाद सारे सब्सटेंस को यूरिन बना के बाहर भेजना नहीं है उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है उसे क्या करना है हम लोगों को वापस लेना है तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है उसे वापस लेने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा बेटा ये सब्सटेंस को वापस लेने के लिए यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का इसमें नेटवर्क आएगा और साथ ही साथ पेरिट्यूबुलर कैपेरी का नेटवर्क है और उसी के साथ साथ यहाँ पे और क्या होगा थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको साइड में कर देते हैं इसी के साथ साथ यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है यदि हम देखें तो इसमें ये जो कैपिलरीज है ये आगे यहाँ पे क्या होगा बेटा इस तरह से ये आगे जा रहा है ये ऐसा ये इस तरह से ये आगे जाएगा तो एक तो ऑक्सीजन भी लेके जा रहा है ऑक्सीजन की सप्लाई होंगी और ये वापस से इधर आकर के ये जो है रिटर्न बैक तो ये क्या बन जाएगा बेटा ये बन जाएगा रीनल वैन जो कि ये डी ब्लड लेके आगे पास हो जाएगा तो यहाँ पे जो है दो फंक्शन हो रहे हैं इसमें सिलेक्टिव रियाबन भी हो रहा है और जो ऑक्सीजन डिलीवर करना ऑक्सीजन सप्लाई करना है ये भी यहाँ पर हो रही है ठीक है इतना समझा चलो मैं आप आ, मुझे आप थोड़ा सा टाइम दो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ पीसी और उसके बाद फिर वापस से आते हैं हम लोग ओके okay. चलो तो कंटिन्यू करते हैं भी यहाँ पर बीच में बहुत सारा पार्ट मैंने समझा दिया हूँ रिकॉर्डिंग में नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट में आपको रिवाइज करा देता हूँ हाँ रिपीट करा दे रहा हूं बेटा आर्यन डोंट वरी टेंशन ना लो थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो है किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ाया किडनी में कैसे नेफ्रॉन जो है वो एंटर हो रहा है एग्जिट हो रहा है वो वाला पार्ट बताया और वही चीज रिवाइज कराया जो मैंने पहले आपको डिजिटल बोर्ड पे ड्राइंग में समझाया था फिर इसके बाद आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये आप लोगों को नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिख रहा है अब ये एक साथ बन गया है तो आपको थोड़ा सा अलग सा लगेगा ठीक है यदि आप वीडियो में देखोगे तो बट आप अभी लाइव क्लास कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया बोमेंस कैप्सूल इधर है आपका पीसीटी पीसीटी आगे गया तो ये जो रहेगा ये क्या रहेगा लूप ऑफ एनडे और उसके बाद इधर आ गया डीसीटी ठीक आर्टेरियल से ब्लड आया फ्रेंट से बाहर जाएगा बाहर जाने के पहले यहाँ पे जो है क्या हुआ फिल्टर हो गया है. तो जितना भी सब्सटेंसेस है यहाँ पे फिल्टर हुआ और उसके बाद फाइनली इस तरह से ये आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये एक नेटवर्क जो लूप ऑफ एनले के पास से जा रहा है ठीक है लूप में जो जा रहा है वो कहलाता है वासा रेक्टा। ये का नेटवर्क है जो ब्लड की सप्लाई कर रहा है क्योंकि फिल्ट्रेशन तो यहाँ पे हो गया बट ये भूल जाता है कि अरे मैंने ब्लड तो दिया ही नहीं तो फिर से उसको यहां से घूमते हुए जाना पड़ता है और फाइनली यहाँ पे वो ब्लड जो है उस सेल्स को प्रोवाइड करता है ठीक है इसी के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे अगेन एक और पार्ट देखे थे कि ये जो फिल्ट्रेशन जो हो रहा है तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन जो काम करती है तो एपिथेलियम लेयर बोमेंस कैप्सूल का रहता है एंडोथेलियम लेयर ग्लोमर कैपिलरी का रहता है और दोनों के बीचों बीच में एक सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं बेसमेंट सब्सटेंस तो इस तरह से तीनों मिलके फिल्ट्रेशन में जो है यहाँ पे फॉर्म करते हैं ठीक है थीके? समझ में आ गया हेलो क्लियर हो गया इतना पार्ट सुमित बेटा क्या बोलना चाह रहे हो नहीं समझा मैं चलो वेरी गुड क्लियर है हाँ तो इसी नेफ्रॉन में हम अगेन एक और चीज समझ लेते हैं नेफ्रॉन के टाइप्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं फिर नेफ्रॉन के टाइप्स के बाद जो मेन पार्ट है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन उस उसपे आएंगे और उसी के एक एक पार्ट को हम समझेंगे मैंने एक ओवरव्यू बताया बता बेटा अभी आपको यूरिन फॉर्मेशन का फिजियोलॉजी कैसे होने वाला है लेकिन अभी भी यूरिन नहीं बना है अभी तो सिर्फ फिल्ट्रेशन हुआ है लेकिन फिल्ट्रेशन के पहले नेफ्रॉन के टाइप्स भी है वो भी हम लोगों को पढ़ना है वेरी गुड बेटा प्रहलाद कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ऐसे टू टाइप के नेफ्रॉन होते हैं क्योंकि बेटा देखिए यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है वह है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन को अच्छी तरह से समझ लेना नेफ्रॉन अच्छी तरह से क्लियर हो गया तो हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन नेफ्रॉन के टाइप्स देखिए तो नेफ्रॉन बेटा दो टाइप का होता है एक होता है पहला कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होता है बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन सेकेंड जो आता है वो होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ठीक है सेकेंड क्या आएगा बेटा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन अब दोनों में डिफरेंस क्या है ओके तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इसका लूप ऑफ हैंडले जो होता है ये वेरी सॉर्ट होता है जक्स्टा मेडुलरी जो इसका लूप ऑफ हेंडले जो है ये वेरी लॉन्ग होता है समझे तो इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे वो होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कि 85 परसेंट होता है तो ये जो रहेगा ये क्या रहेगा ओनली 15 परसेंट ही होगा समझे तो अब देखिए यहां पे यदि हम देखें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन की हम बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किडनी है किडनी में मैं ऐसे दो जोन बना रहा हूं ठीक है जैसे कि सपोज ये किडनी है किडनी के इस तरह से टू जोन है ये हो गया कॉर्टेक्स वाला पार्ट और ये हो गया मेडुला वाला पोर्सन तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होगा जो नेफ्रॉन है जैसे कि ये बोमेंस कैप्सूल बना पीसीटी बना और लूप ऑफ एनले छोटा सा रहेगा इसके बाद डीसीडी बनेगा और कलेक्टिंग जाएगी तो अब मुझे बताओ छोटा सा लूप ऑफ एनले यहां पर हम देखेंगे एज इट इज सिमिलर सेम यदि हम डायग्राम ड्रॉ करें कि जैसे हमारी किडनी है किडनी को टू जोन्स में हमने डिवाइड किए दोनों जोन में डिवाइड करने के बाद यहां पे इस तरह से बॉमेंस कैप्सूल बना PCT बना, लूप बना, तो मुझे बताओ इसका जो लूपले है वो बहुत लॉन्ग है तो अब यहाँ पे में जो इन्वॉल्व होगा वो ये 15% परसेंट वाला पोर्शन ही होगा देखो मिलियन ऑफ नेफ्रॉन रहने के बाद भी उस मिलियन के सिर्फ परसेंट जो नेफ्रॉन होते हैं जो कि जक्स्टा मेडुलरी होते हैं यही यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं फिल्ट्रेशन तो इससे दोनों से हो जाएगा बट मेन रोल जो रहेगा यूरिन का फॉर्मेशन उसमें जक्स्टा मेडुलरी ही इन्वॉल्व होते हैं, जिसका वासा रेक्टा भी कह लो या फिर उसी का लूपा फैलने भी कह लो जो कि क्या होगा वेल डेवलप होगा समझा हाँ बेटा वेरी गुड सर एकटा एब्सेंट होगा हाईली रेडियो कॉर्टिकल है वेरी गुड ग्रेट स्क्रीनशॉट मिलेगा ना बेटा लो कोई प्रॉब्लम नहीं स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग समझ में आ गया ये आपके एनसीआरटी में दिया हुआ है ठीक है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक छोटा सा जो हम लोगों ने यहां पर देखे हो गया चलो तो फाइनली अब हम लोग यहां पे यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको हम समझ लेते हैं पहले हम डायग्रामेटिकली देख रहे हैं और फिर वही पार्ट को हम विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम जो है वो भी हम समझेंगे ठीक है चलो यहां तक के किसी को कुछ पूछना है रिस्पॉन्स करो कुछ पूछना होगा तो और नहीं होगा तो फिर हम आगे बढ़ते हैं नहीं है चलो ग्रेट सारी चीजें क्लियर हैं ओके बढ़िया तो अभी देखिए जो भी कंसेप्ट समझाया इसमें हम लोगों ने क्या देखे इधर साइड से इस तरह से ये जो है अफरेंट आर्टेरियोल है क्या है ये अफरेंट आर्टेरियोल अफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आ रहा है आया आते ही अभी ये जो अफ्रेंड आर्टेरियल जो है इससे जो ब्लड आया यहां पर ये क्या होगा अभी इस तरह से ये डिवाइड हुआ डिवाइड होते ही अभी यहां से ब्लड एग्जिट होगा इफ्रेंड आर्टेरियल से दोनों का डायमीटर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा ठीक है अब यहां पे ये जो है ये हो गया बॉमेंस कैप्सूल दिखाई दे रहा है इसी बॉम्स कैप्सूल में यदि हम यहां पर देखें तो इस तरह से स्लिट पोर होते होते हैं हैं। बेटा, जिसे फेनेस्ट्री कहते फेनेस्ट्री कहते मतलब जो पोर्स ना वो जिसकी हेल्प से ये यह सब्सटेंसेस यहां पर जो प्रेजेंट है तो जो भी सब्सटेंसेस यहां पर प्रेजेंट है तो ऑल सब्सटेंसेस इस पोर की हेल्प से क्या होंगे बेटा पास होंगे हो गए पास तो यहां पे जो भी सब्सटेंसेस पास हो रहे हैं जिसमें ग्लूकोज हो गया यूरिया हो गया आय हो गए मिनरल्स हो गए न्यूट्रिएंट्स हो गए ब्लड वेसल्स को छोड़ के और प्रोटीन को छोड़ के ऐसे मॉलिक्यूल जिसका जो है मैक्रो मोलिक्यूल है वो पास नहीं होंगे बाकी सारे के सारे जो भी सब्सटेंसेस है यहां से क्या होंगे पास हो जाएंगे पास होने के बाद ये यहां से आगे बढ़ा ठीक है तो यह फ्रंट आर्टेरियल था ये क्या हो गया फरेंट इफरेंट आर्टेरियोल समझ गए ओके okay. फिर इसमें मैंने आप लोगों को इफरेंट आर्टेरियोल जो था इसमें अगेन एक और पार्ट बताया था कि ये इस तरह से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा हो गया डिवाइड जब ये डिवाइड होता है तो डिवाइड होने के बाद क्या होगा बेटा ये जो सब्सटेंसेस यहां पे आ गए हैं इस सब्सटेंस में फर्स्ट मैकेनिज्म जो यहां पर हुई वो क्या हुई है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन थी क्या चीज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जिसमें एक तो इपिथेलियम लेयर थी किसका बॉमस कैप्सुल का दूसरा एंडोथेलियम था किसका ग्लोमेरुलस का फिर दोनों को जोड़ने के लिए क्या था बेसमेंट था जो दोनों को जोड़ रहा था जिसकी वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ लेकिन हमें से याद रखना बेटा ये जो फिल्ट्रेट हुआ तो इस फिल्ट्रेट में ये जो सारे सब्सटेंसेस है खाया पिया बाहर नहीं निकालना है में इस फिल्ट्रेट के बाद यहां पे क्या होगा सिलेक्टिव तो सेकंड मेथड पे जो होता है वो होता है सिलेक्टिव रि मींस यहां पे ठीक है जितना भी सब्सटेंस फिल्ट्रेट हुआ उसमें से 99 परसेंट फिल्ट्रेट जो है उसका यहां पर रीऐबॉर्पन हो जाएगा ठीक है क्या चीज 99 परसेंट जो फिल्ट्रेट है इसका क्या होगा री एब्जॉर्पन हो जाएगा ठीक है सिर्फ और सिर्फ वन परसेंट जो है वही एक्सक्रीट होता है तो यहां पर सिलेक्टिव रि की यदि हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है 99% परसेंट फिल्ट्रेट जो रहेगा इसका रि हो गया 1% परसेंट ही एक्सक्रीट होगा जो यूरिन बना के बाहर निकलेगा समझे तो रीएब्जॉर्प्शन जो होता है यहां पे ये एक्टिवली भी होगा और पैसिवली भी होगा एक्टिवली और पैसिवली कैसे होता है वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है ये अपने आप नहीं हो जाता बेटा यहाँ पे कुछ प्रेशर काम करते हैं ठीक है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है ग्लोमरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है तो कुछ प्रेशर यहाँ पे काम करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है ये आपके एनसीआरटी में नहीं दिया है ये आपके मॉड्यूल्स में दिया हुआ है तो वो वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे समझेंगे थोड़ी देर के बाद जनरल सा कंसेप्ट सबसे पहले समझ लो तो हमें समझेगा तो देखो अभी यहाँ पे आप लोगों को ये जो सारी चीजें जो दिखाई दे रही है तो इसमें देखो ये ऐसा जो हमारा ये जो ब्लड कैपेलरीज है ठीक है फिर से पावर चला गया दिखाई दे रहा है ना थोड़ा बहुत एक मिनट में विंडो ओपन कर लेता हूँ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है पता नहीं क्या हुआ ओके okay, तो देखिए बेटा यहाँ पे जो फिजियोलॉजी हम जो समझ रहे हैं इसमें एक तो हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखे और दूसरा हम लोगों ने सिलेक्टिव रियब देखे तो इसमें ये जो वन परसेंट एक्सक्रीट होगा बाकी का रि हो रहा देखो यहां पे जितना भी सब्सटेंस है ये वापस से क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है वो इधर साइड में भी रहेगी यहां पर इस तरह से समझ रहे हो तो ऐसा रहेगा तो इस तरह से वो हो क्या होगा सिलेक्टिवली रियजॉप्शन इसलिए कहे हमने क्योंकि सारे सब्सटेंसेस यहाँ पे जो है रियबजॉप नहीं होंगे क्योंकि यूरिन को बाहर यूरिन बना के हमें यूरिया को बाहर निकालना है और कुछ सब्सटेंस जैसे हमारे बॉडी में कभी ग्लूकोज ज्यादा होता है कभी प्रोटीन ज्यादा होता तो वो भी बाहर जाते हैं आप बोलोगे कि सर प्रोटीन कभी कभी प्रोटीन भी आता बेटा वो डिसऑर्डर रहते हैं एक्चुअली ठीक है तो वो भी हम लोग यहां पे समझेंगे कैसा होता है ठीक है तो इतना पोर्शन जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया हेलो क्लियर हुआ इतना पार्ट अब लास्ट टाइम जो है हम लोग यहां पे जो देख रहे थे उसको हम देख लेते हैं पिक्चर डायग्राम से समझते क्या है ये ओके क्या क्या देख लिया हमने हमने अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखे हैं उसके बाद सिलेक्टिवरी एब्जॉप देखे हैं अब ये सारी चीजें होने के बाद देखिए जब फाइनली ये इस तरह से टर्न होके ये जो हमारा वासा रेक्टा है ये ऐसा जब इधर जाएगा डिस्टिल कनोलेटेड ट्यूबवेल में तो यहाँ पे कुछ सब्सटेंस ऐसे रहते हैं बेटा जो फिल्ट्रेट नहीं हो पाते ठीक है थीके? फिल्ट्रेट नहीं होते तो यहाँ पे क्या होते हैं कुछ सब्सटेंस का यहाँ पे सिक्रेशन होता है जैसे कि H प्लस आयन हो गया पोटेशियम आयन हो गया तो यहां पे क्या होता है सिक्रेशन होता है तो इसका जो थर्ड स्टेप ऑफ मैकेजम जो है वो क्या आएगा थर्ड वाला पार्ट ये होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन आज मैं सिर्फ बेसिक पार्ट बता रहा हूं बेटा आप लोगों को ठीक है इसमें थोड़ा सा और भी कंसेप्ट है और थोड़े पिक्चर्स भी रहेंगे थोड़े से एनिमेशन भी रहेंगे तो वो सारी चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे तब जाके आप लोगों को सारी चीजें अच्छी तरह से समझेंगे हाँ हाइड्रोल बेटा वो प्रेशर हम हाँ, लोग देखेंगे आर्यन डोंट वरी टेंशन ना लो अभी प्रेशर में अभी आपको समझाऊंगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे ठीक है तो वो वाला पोर्शन जो है मैं आपको नेक्स्ट इसमें समझाऊंगा डोंट वरी टेंशन ना लो ठीक है इजिली हो जाएगा अभी यहाँ पे देखिए मैं आपको ट्यूबुलर सिक्रेशन बता रहा है बता रहा हूं तो स्मॉल अमाउंट में कुछ सब्सटेंस है जैसे एच प्लस आयन हो गया के प्लस आयन हो गया अमोनियम आयन जो होता है ये क्या है बेटा कुछ सिक्रेट भी होते हैं इस तरह से ब्लड में तो ट्यूबेल्स में डायरेक्टली सीक्रेट होते हैं। तो इसकी से क्या होता है ना वो मेंटेन होता है। में समझे आपको डायरेक्ट समझा दिया बट रीएब्जॉर्प्शन कुछ सब्सटेंस जो है बेटा एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होंगे और कुछ सब्सटेंस जो है वो क्या है उसका पैसिव रीएब्जॉर्प्शन होता है ये कैसे होता है ये वाला पार्ट भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा ठीक है सब्सटेंस जो है रीअब्जॉर्व कैसे हो रहे हैं उसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो बताया हूं उसमें जो प्रेशर आता है वो कैसे काम करता है ये वाला पार्ट भी जो है मैं नेक्स्ट आप लोगों को समझाने वाला ठीक है समझ गए तो एक काम करते हैं थोड़ा सा हम लोग एक स्लाइड शेयर करते हैं मीन्स लास्ट टाइम जो हम लोग पिक्चर्स देख रहे थे आपको याद होगा तो वो पिक्चर्स की हेल्प से हम लोग यहाँ पे उन कंसेप्ट को समझेंगे जो हमारा लास्ट टाइम रह गया था ओके देख लेते हैं जस्ट वेट किधर गया अपना एक्सक्रेशन एक्सक्रेशन में हम लोग जो समझ रहे थे वो क्या देख रहे थे नेफ्रॉन देख रहे थे ठीक है नेफ्रॉन चलो तो लास्ट के फाइव मिनट्स है हमारे पास तो फाइव मिनट्स में हम लोग यहां पे अपना ये वाला जो पोर्शन है उसे समझ लेते हैं रेस्पॉन्स करेंगे दिखाई दे रहा है आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है डायग्राम दिख रहा है बेटा हेलो वेरी गुड चलो तो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको फाइनली तो अभी देखिए यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ठीक है जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे किडनी जो है इसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखे थे ठीक है किडनी का स्ट्रक्चर के बाद फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे जो है क्या चीज ये वाला जो पोर्शन है ये भी हम लोगों ने देख लिए थे ओके okay. फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो ह्यूमन एक्सक्रेटिव सिस्टम है क्या होता है ये देखे थे किडनी का लोकेशन समझे थे किडनी कैसे लोकेटेड होती है ये देखे थे किडनी का और स्ट्रक्चर देखे थे ये स्ट्रक्चर के बाद फाइनली जो किडनी में सप्लाई हो रहा है ये हमने समझे थे आज हम लोगों ने यहाँ पे जो कंसेप्ट देखे इसमें देखिए पहली चीज तो ब्लड जो एंटर कर रहा है और ब्लड जो एग्जिट हो रहा है तो यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये जो है ये क्या चीज है बेटा ये जो है क्या कहलाएगा हमारा बोमेंस कैप्सूल ठीक है थोड़ा सा डायग्राम पिक्चर्स को हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए ठीक तो देखिए बेटा ये आपको नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसी नेफ्रॉन के इस स्ट्रक्चर में आप लोगों को यहाँ पे ये दिख रहा है बेटा कि अफ्रेंट आर्टेरियल जो है जहां से ब्लड एंटर हो रहा है इनकमिंग आर्टेरियल फिर ये इस तरह से जो है ग्लोबर का एक नेटवर्क रहेगा और यही जो नेटवर्क है ये यह यहां से जब बाहर जा रहा है तो ये आउट गोइंग आर्टरियल है ये वाला पार्ट जो बॉमेंस कैप्सूल है जिसमें सब्सटेंस फिल्टर होके यहाँ पे आएंगे ठीक है इसके बाद ये प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबवेल है फिर यही ब्लड का फ्लो जो है इस तरह से आगे हो रहा है समझ में आ गया बेटा देखो तो अब यहाँ पे ये यह आपको बॉमेंस कैप्सूल दिख रहा है जिसमें पैराइटल और विस्ट्रल लेयर है अंदर साइड इसी में क्या प्रेजेंट होता है पोडोसाइट पढ़ाया था मैंने जो फिल्ट्रेशन काम करता है ठीक है ये हमने देखे थे तो अफ्रंट आर्टेरियोल का डायमीटर बड़ा दिख रहा है आर्टेरियोल का डायमीटर जो है हमें छोटा दिखाई दे रहा है देखो अफ्रंट से ब्लड आएगा तो इस तरह से अंदर इस तरह से ब्लड गया और वहां से एग्जिट भी हो जाएगा लेकिन जितने सब्सटेंसेस हैं यहां से फिल्ट्रेट होंगे समझे तो पीसीटी बॉमेंस कैप्सूल इफ्रेंट आर्टेरियोल और अफ्रेंट आर्टेरियोल इसका मैं एनिमेशन दिखाऊंगा तो आपको और भी एक समझेगा ये हमारा एनसीआर का डेटा बेटा बोमेंस कैप्सूल आपको दिख रहा है ग्लोब्रल दिख रहा है अब से ब्लड आ रहा है से बाहर जा रहा है इसके बाद ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है अंदर साइड आपको वासारेक्टा दिखाई दे रही है क्या दिख रही है वासार एक्टा तो इस तरह से ब्लड आएगा फिल्टर होगा सब्सटेंस फिल्टर होंगे और ब्लड एग्जिट हो जाएगा ठीक है तो देखो प्रोसेस एक्चुअली हो कैसा रहा है तो आपको ये वाले डायग्राम में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया वो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी ओके okay. इस डायग्राम में कंप्लीट जो फिजियोलॉजी अभी हम लोगों ने यहां पर देखे हैं वो क्या होगा बेटा क्लियर हो जाएगा ओके okay. इतना समझा के समझ आ गए रिस्पॉन्स करो जल्दी से बाकी लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है ओके okay. वेरी गुड चलो तो आगे का पार्ट इस डायग्राम को समझ लो ठीक है उसके बाद बाकी सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी किधर गया एक मीठा कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रहा है hmm. स्क्रीन दिखाई दे रही है प्रॉपरली देखिए अभी क्या हो रहा है ये आपको जो दिख रहा है ये हो गया अफ्रेंट आर्टेरियोल यहां से ब्लड आया ब्लड आके अफ्रेंट आर्टेरियोल जब यहां पे गया तो इसी के साथ यहाँ पे जो सब्सटेंसेस है फिल्टर हो गए फिर फिल्ट्रेशन के बाद ये इफ्रेंट आर्टेरियोल इस तरह से यहां से आगे जा रहा है जितने सब्सटेंसेस थे ग्लूकोज एमाइनो एसिड सोडियम वाटर हमें बाहर नहीं भेजना है बेटा तो वो क्या होगा सिलेक्टिवली री एब्जॉर्ब हो जाएगा ठीक है तो पहली चीज तो फिल्ट्रेशन हुआ सेकेंड इसका री एब्जॉर्प्शन अब री क्यों कह रहे हैं बेटा इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा डाइजेस्टिव सिस्टम जब हमने पढ़े थे तो जो भी फूड यहाँ पे प्रेजेंट था ये सारा फूड जो है इसका क्या हुआ था एबजॉर्पन हुआ था जो कि हमारे लीवर में गया था और लीवर से होते हुए यही यहाँ पे घूम के वापस आया है इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं रि कह रहे हैं तो अब देखिए बेटा वाटर का रिओब्जॉपन जो है हमारे लूप ऑफ लूपोफे में हो रहा है इसी के साथ साथ यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज रहती है ये वाला जो है आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरी दिख रहा है इसमें इधर सोडियम बाइकार्बोनेट आयन सोडियम क्लोराइड ये सारा फिर इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ सिक्रेशन होगा यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या चीज है सिक्रेशन मीन्स कुछ सब्सटेंसेस जो है वो क्या होंगे यहाँ पर सिक्रेट होंगे तो सिक्रेशन में क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस जो सिक्रेट होंगे तो सिक्रेशन एच प्लस आयन के प्लस आयन और ड्रग्स जो है ये सारे के सारे यहाँ पर सिक्रेट होंगे और इसी तरह से ये जो है हमारा कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट रहेगा और इससे कनेक्ट रहने के बाद फाइनली जो है यूरिन जो बनेगी वो यहाँ से बाहर हो जाएगी ठीक है तो ऐसा यहाँ पर जो है प्रोसेस होता है ठीक है ये प्रोसेस है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जितना भी पार्ट बताया उसको एक शॉर्ट समराइज कराया बट इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए पढ़ने की है बट जितना बेसिक यहाँ पे जो समझाने वाला था वो सारा पार्ट जो है मैंने क्लियर करा दिया हाँ बेटा प्रहलाद हार्मोन वाला फंक्शंस भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर ठीक है एंटी डायबिटिक हार्मोन का काम क्या है डायबिटीज के दो टाइप देखे थे हमने डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस तो वो वाला पोर्शन भी जो है हम लोग यहाँ पर जो है वो समझेंगे ठीक है बेटा क्लियर हो गया चलो तो उम्मीद करता हूं कि 100 परसेंट तो नहीं लेकिन एटलीस्ट 70 से 80 आप लोगों को समझ में आ गया होगा ठीक है और बाकी के जो रिमेनिंग पोर्शन है नेक्स्ट इसमें हम रिवाइज करते हैं हम आगे बढ़ेंगे और सारी चीजों को और भी अच्छे से क्लियर करेंगे ठीक है बेटा अब आप लोगों के टाइम भी पावर नहीं था तो अब कुछ कर नहीं सकते थे तो भी मैंने अल्टरनेटिव सोर्स की हेल्प से क्लास कंटिन्यू करने की कोशिश किया ठीक है अब फर्स्ट टाइम मैंने एक्चुअली उस ड्राइंग का यूज किया था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा यदि बाई चांस ऐसा होता भी है तो जो हमने अल्टरनेटिव सोर्स जो हमने यूज किए थे ड्रॉइंग के लिए वो नेक्स्ट टाइम आपको आज के कंपेरिजन में और बेटर मिलेगा बाई चांस कंडीशन आया तो नहीं तो हमारे लिए जो तरीका है यहाँ पे वो तो सबसे बेस्ट है है ठीक बेटा ये समझ गया तो फाइनली आगे का पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे चलो तो फिर एंड करते आज का क्लास बाय बाय थैंक यू बाय बेटा